तो हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा जॉय और हैप्पीनेस के साथ स्कूल से बाहर आते हैं, क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन रहता है और कल से समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी। सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रहे होते हैं और हमको जियान और सुनियो भी दिखाई देते हैं वहीं पर, वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तभी हमें सिजुका भी दिखाई देती है, जो कि स्कूल के गेट पर नोबिता का वेट कर रही होती है। और काफ़ी टाइम बीत जाता है पर नोबिता आता नहीं है। तभी एक लड़का वहाँ से गुजरता है और सिजुका उससे पूछ लेती है, क्या तुमने नोबिता को कहीं देखा है? वो लड़का बोलता है, हाँ सर ने उसे पनिशमेंट दी है, इसलिए आज वो घर पर लेट जाएगा, क्योंकि उसने अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया था और आज वो स्कूल में लेट भी आया था। तो ये बात सुन के सिजुका थोड़ी सी मायूस हो गया, अपने घर के लिए चली जाती है और वो लड़का भी अपने घर पर चला जाता है। अब स्कूल में सिर्फ नोबिता एंड सर थे, सभी अपने अपने घर पर जा चुके थे। नोबिता बहुत दुखी होता है, उसका बिल्कुल ही मन नहीं था वहाँ अकेले बैठने का, और वो सर से पूछता है, सर क्या मैं अब जा सकता हूँ? तभी सर गुस्सा होकर उससे बोलते हैं, नहीं तुम पहले अपना होमवर्क करो, तभी तुम घर पर जा सकते हो, मैं अभी आता हूँ, तुम इतने अपना होमवर्क कर लेना। नोबिता थोड़ा जोश में बोलता है, ओके सर। एंड सर वहाँ से चले जाते हैं। नोबिता मुंह में पेंसिल लेकर उसे चूस रहा होता है और विंडो के बाहर देख रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि मैंने तो आज सुजुका के साथ उसके घर पर मिस सुमेरे की न्यू एल्बम जो आज आने वाली है वो देखने का वादा किया था, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, वो पक्का मुझसे आज नाराज हो जाएगी। तभी नोबिता कुछ भी नहीं सोचता और सीधा अपना बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। और जब वो स्कूल के बाहर वाले गेट पर पहुंचता है तो सर चिल्लाकर बोलते हैं, नोबिता कहाँ जा रहे हो, रुको पहले अपना होमवर्क करो। नोबिता एक बार सर की तरफ देखता है और उनसे सॉरी बोलता है और भाग जाता है। वो सोचता है कि पहले मैं घर पहुंचूंगा और उसके बाद मैं सिजुका के घर जाऊंगा। पर तभी उसको एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है और गाइस बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी थी, मतलब बिल्कुल पसीने में था नोबिता, एंड उसकी जीभ लपक रही थी, पर वो पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था इसलिए वो सीधा चल रहा होता है। पर नोबिता से ज्यादा देर तक नहीं रह गया, वो एकदम से पीछे भागकर वो मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम ले ही लेता है। वो उसको बहुत मजे से खाता है और घर की तरफ जाता है। तभी उसको एक एम्बुलेंस दिखती है, वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा होता है, इसलिए वो थोड़ी और आगे जाता है तो उसको एक टीवी की शॉप नजर आती है। उस शॉप में बहुत सारे टीवी रखे हुए थे और सब टीवी पर बस एक ही चैनल चल रहा था, वो एक न्यूज चैनल होता है। मिस सुमेरे की हालत हुई खराब, मिस सुमेरे का न्यू सॉन्ग नहीं आएगा, अब क्या होगा मिस सुमेरे का, जानने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल कल तक। वो ये देख कर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और हैरान भी हो जाता है। वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, और उसकी आइसक्रीम भी वहीं जमीन पर गिर जाती है। वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, डोरेमोन। それで構わないさ、嘘つきの僕が吐いた反対言葉の愛の歌。今日は高知の地方は土砂降りの晴天でした。昨日もずっと暇で一日満喫してました。別に君のことなんで考えてなんかいないさ、嫌でもちょっと本当は考えてたかもなんで、メリーゴーランドみたいに回る僕の頭さ、この両手からこぼれそうなほど君に渡す愛を誰に移ろう、そんなどこにも当てがあるわけないだろう、まだ待つ。
सिज़ुका उसको देख लेती है और वो रोकने की उसको पूरी कोशिश भी करती है, बट नोबिता उसको इग्नोर कर देता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर जियान एंड जूनियो रास्ते में नोबिता को पकड़ लेते हैं एंड खेलने के लिए बहुत ज्यादा जिद करते हैं क्योंकि आज उनकी टीम में एक मेंबर की कमी थी। नोबिता मना कर देता है, प्लीज आज मुझे जाने दो, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी काम आज। जियान बोलता है, मुझे पता है तुम्हें कोई भी जरूरी काम नहीं है, तुम हमारे साथ खेलना नहीं चाहते इसलिए झूठ बोल रहे हो, और उसका कॉलर पकड़ के उसे मारने लग जाता है। तभी नोबिता को बहुत ज्यादा दुख हुआ था सुमेरे के लिए एंड बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया हुआ था, इसलिए वो बहुत जोर से किक कर देता है जियान के मुंह पर एंड जियान वहां पर पड़ जाता है। नोबिता वहां से भाग जाता है एंड सुनियो होता है वो वहां पर खड़ा खड़ा हैरान होता है कि ये नोबिता ही था ना, मतलब यहां पर हुआ क्या। तभी नोबिता घर पर पहुंच जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है उसकी मामू से बोलती हैं, नोबिता इधर आओ तुम। वो जैसे ही कमरे में जाता है वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सर भी वहां पर बैठे होते हैं एंड उसकी मोम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है एंड बोलती है, यहाँ पर आओ नोबिता। नोबिता वहां जाकर बैठ जाता है। पूरे 2 घंटे तक मोम की डांट सुनने के बाद जब नोबिता कमरे से बाहर आता है तो उसकी मोम पीछे से बोलती है, और हाँ नोबिता आज के बाद तुम अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगे और सिर्फ अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करोगे, ओके। नोबिता अजीब से एक्सप्रेशन से बोलता है, ओके मॉम। फिर वो अपने रूम में जाता है, डोरेमोन सामने ही बैठाता है एंड सॉफ्टली बोलता है, क्यों नोबिता थक गए ना, ज्यादा ही डांट पड़ी आज भी तुम्हें। नोबिता अपने कमरे में एंट्री करता है और डोरेमोन की गोदी में अपना सर रखकर हमेशा की तरह जोर जोर से रोने लगता है और डोरेमोन उससे बोलता है, फिर अरे रो मत बाबा, चुप हो जाओ। अच्छा फिर तुम स्कूल से भागे ही क्यों। नोबिता बोलता है, ओ नो, जो चीज बताने के लिए मैं यहाँ भागा भागा आया था वो चीज बताना तो मैं बिल्कुल ही भूल गया, और फिर जोर जोर से रोने लगता है और फिर से बोलता है, डोरेमोन क्या तुम्हें पता है मिस सुमेरे। तभी डोरेमोन बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि आज मिस सुमेरे का न्यू सॉन्ग आने वाला है। ओ अच्छा, इसलिए तुम जल्दी से भागे भागे यहाँ पर आए। नोबिता बोलता है, आया तो मैं इसीलिए था, पर मैंने रास्ते में देखा कि मिस सुमेरे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो जीना भी नहीं चाहती, आज उनका न्यू सॉन्ग भी नहीं आएगा, ऐसा न्यूज चैनल्स पर आ रहा था। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। नोबिता उससे रोते हुए बोलता है, डोरेमोन तुम्हें कुछ करना ही होगा, प्लीज कुछ तो करो। अब डोरेमोन भी साथ में रोने लग जाता है एंड मिस सुमेरे अपने फैंस को छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसा वैसा बोल रहा होता है एंड बोल रहा होता है, अब नोबिता मुझे ही कुछ करना होगा। नोबिता भी खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ डोरेमोन हम दोनों को मिलकर कुछ ना कुछ करना होगा, अच्छा चलो हम अभी मिस सुमेरे के पास चलते हैं। तभी नोबिता के रूम का गेट ओपन होता है और आती है पीछे से उसकी मॉम और चिल्लाकर नोबिता से बोलती है, नोबिता कहाँ जा रहे हो तुम, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, चुपचाप यहाँ बैठकर अपना होमवर्क करो। डोरेमोन भी डर जाता है और वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठ जाता है। उसकी मॉम बोलती है, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी, और डोरेमोन तुम नोबिता पर नजर बनाए रखना, ये कहीं भाग ना जाए। ओके मॉम। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद नोबिता अपने चेयर पर बैठकर होमवर्क कर रहा होता है, मतलब कर तो क्या रहा होता है, बस ऐसे ही बैठा होता है। अब हम सब तो नोबिता को जानते ही हैं। ओ डोरेमोन रो रहा था, सुमेरे की जो न्यू सॉन्ग आने वाला था उसकी पिक लेके हाथ में रोए जा रहा था, ऐसे ऐसे रात हो जाती है। डोरेमोन बोलता है, पर क्या हुआ होगा यार सुमेरे के साथ, हमको जाकर देखना चाहिए। फिर नोबिता भी बोलता है, हाँ डोरेमोन हमको जाना ही पड़ेगा, क्या पता क्या मुसीबत हो, शायद हम दोनों मिलकर उसे ठीक कर सकते हो। और वो दोनों प्लान बना लेते हैं, अब तो रात भी हुई थी। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है टाइम टीवी। वो दोनों उसमें देखते हैं कि जो मिस सुमेरे हैं वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और वो दोनों वहीं पर जाते हैं अपने बैम्बू कॉप्टर की मदद से। वो रास्ते में बातचीत भी करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा, और वो मतलब ऐसा ही वैसा ही कुछ बात करते हैं वो, तभी वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद उन दोनों की बोलती बंद हो जाती है। मिस सुमेरे विंडो से बाहर क्या कर रही है, वो कर क्या रही है, डोरेमोन कुछ करो। तभी डोरेमोन फटाफट से अपना एक गैजेट स्टॉपवॉच को निकालता है और टाइम को स्टॉप कर देता है एंड सुमेरे को वापस बेड पर लेटा देता है एंड टाइम को चालू कर देता है। सुमेरे अपनी आंख खोलती है और बोलती है, ये क्या हुआ, तुम दोनों कौन हो, मैं यहाँ वापिस कैसे आई, मैंने तो सुसाइड कर लिया था, मतलब ये कैसे हुआ। और बहुत चौंकी हुई थी एंड तभी नोबिता बोलता है, मिस सुमेरे आप घबराई मत, हम आपके फैन हैं, और आप सुसाइड क्यों कर रही हो, और ऐसे वैसी चीज पूछते हैं।
और वो ये भी पूछते हैं कि आप जीना क्यों नहीं चाहती, प्लीज़ हमको बताइए। और वहाँ पर सुमेर के कुछ स्टाफ के मेंबर्स भी होते हैं और वो भी सुमेर से बोल रहे होते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। सुमेर कुछ नहीं बोलती किसी से, वो चुप रहती है। तभी हम देखते हैं नोबिता बहुत जोर से रोने लगता है और मिस सुमेर से बोलता है, आपको पता है आपके फैंस आपके हर एक गाने के लिए कितना वेट करते हैं और आप बहुत मतलबी हो, आप बस अपने बारे में सोच रहे हो। नोबिता को रोते देख सुमेर को वो वक्त याद आता है जब मिसोस को छोड़कर बर्ड प्लान जा रहा था, वो भी ऐसे रो रहा था। वो एकदम उठ कर मिसो को गले लगा लेती है। वहाँ पर जो जो होता है सब चौंक जाते हैं, बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और से और डोरेमोन एंड नोबिता भी चौंक जाते हैं। तभी वो बोलती है, सब जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी सिवाय इन दो बच्चों के, ये दो बच्चे सिर्फ यहाँ पर रहेंगे, तुम सब जाओ बाहर। वो सब बाहर चले जाते हैं। सुमेर को ये भी याद आ जाता है कि ये नोबिता और डोरेमोन है जिससे वो पहले भी मिली। अब रूम में सिर्फ नोबिता, डोरेमोन और सुमेर होते हैं। सुमेर बोलती है, मैं मतलब ही नहीं हूँ नोबिता, और सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा हो, बट इसमें मेरी भी गलती नहीं है, अब मैं क्या करूँ। डोरेमोन बोलता है, तो बात क्या है मिस सुमेर, हमको बताओ, क्या पता हम कुछ कर सके। तो सुमेर सारी बात बता, दरअसल एक अमेरिका का करोड़पति इंसान है जो मुझे अपने देश के लिए खरीदना चाहता था, और तो और वो तो ये भी चाहता था कि मैं उससे शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ अमेरिका में ही सेटल हो जाऊँ। पर जब मैंने उससे मना करने की कोशिश की तो मुझे मारने की धमकी देने लगा। वो कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और बाद में उसने मेरे सामने दो चॉइसेस रखी। डोरेमोन एंड नोबिता बोलते हैं, कैसी चॉइस। सुमेर बोलती है, या तो मैं उससे शादी कर लूं और हमेशा के लिए उसकी हो जाऊं। और नोबिता खौफ के साथ बोलता है, और दूसरी चॉइस। तो तभी सुमेर बोल दिया, मैं वो दूसरी चॉइस करने जा रही थी कुछ समय पहले, पर तुम दोनों ने मुझे रोक लिया। ये सुनकर नोबिता को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी सुमेर बोलती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, मैं भी चाहती हूँ, पर मैं जिस इंसान से शादी करना चाहती हूँ वो अभी मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, और मैं उसका लौटने का इंतजार कर रही हूँ, मरते दम तक करूंगी। पर ये समाज मुझे ऐसा नहीं करने दे रहा, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके बिगड़ नहीं रह सकती, वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, मैं मर जाऊंगी पर उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। क्योंकि मैं मित्सो से दूर तो हो सकती हूँ, पर उससे अलग होकर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, इसलिए अगर मैंने उस करोड़पति इंसान से शादी कर ली तो मैं मित्सो से हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी, जो कि मैं नहीं कर सकती। डोरेमोन बोलता है, ये मित्सो कौन है जिसको आप चाहती है। तभी नोबिता बोलता है, कहीं ये वो लड़का तो नहीं जिसकी तस्वीर आपके लॉकेट में है। डोरेमोन बोलता है, पर नोबिता तुम्हें सब चीज कैसे पता चली। अब इसका जवाब देते हुए नोबिता डोरेमोन से बोलता है, मैं एक बार पहले भी मिस सुमेर से मिल चुका हूँ और तभी उन्होंने मुझसे ये सब चीज बताई थी। डोरेमोन और नोबिता का उनसे मिलने का टाइम अब खत्म हो चुका था। वो दोनों बैम्बू कॉप्टर का यूज करके उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और रास्ते में वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि मिस सुमेर कितनी प्योर हार्टेड है, वो चाहे तो उस करोड़पति इंसान से शादी करके ऐसो आराम की जिंदगी जी सकती थी, और ऐसा करने से वो अपनी फैमिली के और भी करीब आ सकती थी, पर वो सिर्फ मित्सो से ही प्यार करती है और मित्सो को ही अपने हमसफर के रूप में देखती है, जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार है। तुम्हें क्या लगता है सुजुका भी मुझसे इतना ही ज्यादा प्यार करती होगी। ओफो नोबिता, अब तुम यहाँ पर अपने बारे में मत सोचने लग जाना, तुम्हें पता है ना हमें यहाँ पे सुमेरे की मदद करनी है। नोबिता बोलता है, हे डोरेमोन, मुझे एक बहुत मस्त आइडिया है, बताऊँ तुम्हें। क्यों ना हम पास्ट में जाएं, जब मित्सो सुमेरे को छोड़कर जाने वाला था, हम उसे उसी समय रोक लेंगे जिससे मित्सो को सुमेरे को छोड़कर जाना ही ना पड़े। डोरेमोन बोलता है, बुद्धू मत बनो नोबिता, अगर हमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो जो बर्डमैन के हेड है सुमेर ने उनका नाम बर्डमैन बताया था, तो उन्हें शक हो जाएगा। अगर उन्हें शक हो भी जाता है तो पता चल जाएगा कि हम फ्यूचर से आए और हमें यहाँ पर बर्डमैन को रोकने के लिए सुमेर ने भेजा है, और सुमेर इससे भी बड़े खतरे में पड़ जाएगी। तो अब हम क्या करें यार, तुम्हें कुछ बताओ डोरेमोन। डोरेमोन थोड़ी देर तक सोचता है और बोलता है,
हम पास्ट में तो नहीं जा सकते, बट हम वहाँ जरूर जा सकते हैं जहाँ भी मित्सु है, नोबिता बोलता है। और वो है कहाँ, हमें कैसे पता चलेगा? तभी डोरेमोन बोलता है, तुम भूल गए क्या, मैं 21वीं सेंचुरी का एक रोबोट हूँ, कैट रोबोट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम टाइम टीवी की मदद से टाइम देखेंगे। जब मित्सु सुमेर को छोड़कर चला जाता है, फिर नोबिता बोलता है, वाह डोरेमोन, तुम तो मेरे साथ रहकर और भी ज्यादा समझदार हो गए हो, चलो साथ में भांगड़ा करते हैं, हमें सोल्यूशन मिल गया। यस, नोबिता बोलता है, अच्छा सुनो डोरेमोन, क्या हम सुजुका और सुमिरे को भी साथ लेकर चल सकते हैं? डोरेमोन बोलता है, हाँ हाँ, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, हम जरूर लेके जाएंगे, साथ में तुम जियान और सुनियो को भी ले आओ। अब डोरेमोन और नोबिता साथ में बोलते हैं, मिशन मित्सु एंड सुमिरे ऑन इट्स वे। रात तो हुई हुई थी, सो उनके मॉम बोलती है, नोबिता डोरेमोन खाना तैयार है, नीचे आके खा लो। सो नोबिता एंड डोरेमोन फट से नीचे जाते हैं, फटाफट खाना खाते हैं और झट से ऊपर आ जाते हैं। इस स्पीड को देखते हुए नोबिता की मॉम बोलती है, आखिर इन दोनों को मतलब इतनी जल्दी किस चीज की थी, इन्होंने इतनी जल्दी खाना कैसे खा लिया, आखिर ये दोनों ऊपर कर क्या रहे हैं? सो नोबिता की डैड बोलते हैं, और क्या, नोबिता अपना होमवर्क कर रहा होगा छुट्टी होगा, एंड डोरेमोन उसकी हेल्प कर रहा होगा। सो नोबिता की मॉम बोलती है, या क्या, आप होश में तो है ना, आपको पता है ना नोबिता अपना छुट्टियों का होमवर्क करना छुट्टियों के लास्ट में स्टार्ट करता है, और आज तो पहला दिन भी नहीं हुआ। डोरेमोन एंड नोबिता पूरी रात बर्ड प्लैनेट की रिसर्च में निकाल देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। डोरेमोन एंड नोबिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मतलब बर्ड प्लैनेट का जिक्र कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए था ना। पर अब तो ऐसा लगता है कि बर्ड प्लैनेट जैसी कोई चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नोबिता बोलता है, चुप करो डोरेमोन, आखिर सुमिरे हमसे झूठ क्यों बोलेंगी, आखिर ऐसा करने से उन्हें मिलेगा क्या? मुझे सुमिरे पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी होना चाहिए। फिर डोरेमोन बोलता है, हाँ नोबिता, मुझे भी सुमिरे पर विश्वास तो है, पर पता नहीं ये बर्ड प्लैनेट के बारे में हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा। उसके बाद नोबिता बोलता है, हम फिर से टाइम टीवी पर देखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आखिर बर्डमैन मित्सु को लेकर आखिर जा कहाँ रहे थे। डोरेमोन एंड नोबिता फिर से टाइम टीवी पर उसी मोमेंट को देखने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ को देख रहे थे, पर जब बर्डमैन फिर से मित्सु को स्पेसशिप पर बिठाकर बर्डमैन की तरफ जा ही रहे होते हैं कि वीडियो फिर से धुंधली हो जाती है। डोरेमोन बोलता है, देखा नोबिता, फिर से वही हुआ। नोबिता बोलता है, हाँ हाँ यार, मेरे को दिख रहा है, अब तो एक ही चीज़ करने को बची है, और वो क्या है नोबिता? नोबिता बोलता है, हम कल सुबह मिस सुमिरे से इसके बारे में खुद ही पूछने जाएंगे। अभी हम सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 5 बजे होते हैं, नोबिता उठ चुका था एंड डोरेमोन को भी उठा रहा था, बोल रहा था, डोरेमोन उठ जाओ, तुम कितना सोते हो, उठो। सो डोरेमोन बोलता है, क्या टाइम हुआ है नोबिता, तुम मुझे उठा क्यों रहे हो, अभी तो रात ही है। सो नोबिता बोलता है, सुबह के 5 बज चुके हैं डोरेमोन, उठ जाओ। सो डोरेमोन बोलता है, अरे तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तुम भी सो जाओ और मैं भी सो रहा हूँ। सो नोबिता बोलता है, अरे तुम भूल गए क्या, हमें तो आज सुमेरे के पास जाना था ना। डोरेमोन बोलता है, हाँ नोबिता मुझे पता है, पर अभी मिस सुमेरे भी सो रही होगी हॉस्पिटल में, हम भी सो जाते हैं, हम 8 बजे जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एनीवेयर डोर भी है, अब सो जाओ। नोबिता क्या कहता है, हाँ वैसे तुम सही हो, अगर हम इस समय जाएंगे तो मिस सुमेरे भी हमारी वजह से परेशान हो जाएगी, और अब तो मैं जाग चुका हूँ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो अब नींद भी नहीं आएगी, चलो मैं मिस सुमेरे के कुछ पुराने एल्बम सुन लेता हूँ। सो नोबिता उन्हें सुनता सुनता ही सो जाता है। अब 8 बज जाते हैं, अलार्म भी बज चुका था, नोबिता उठा नहीं था, डोरेमोन उठ जाता है। सो डोरेमोन नोबिता को उठाता है, सो वो बोलता है कि 8 बज चुके हैं, हमें मिस सुमेरे के पास जाना है। नोबिता फटाक से उठता है, फटाक से तैयार भी हो जाता है। सो वो दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो जैसे जा ही रहे होते हैं, सो नोबिता की मॉम चिल्लाकर बोलती है कि नोबिता तुम्हारे लिए सुजुका का फोन है। सो नोबिता जोर जोर से सीढ़ियों से नीचे उतरता है और फोन पकड़कर बोलता है, हे सुजुका कैसी हो? फिर सुजुका बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, अच्छा सुनो, क्या आज तुम मेरे घर आओगे, हम साथ में मिलकर होमवर्क करेंगे। तभी डोरेमोन ऊपर से आवाज देता है, नोबिता जल्दी करो, हमें निकलना है। फिर नोबिता सुजुका से जल्दबाजी में फोन पे कहता है, वो सुजुका आज नहीं, फिर कभी, मैं थोड़ा ना बिजी हूँ। सुजुका बोलती है, पर नोबिता, बट नोबिता बहुत पहले ही फोन को रख चुका था।
सीन अभी सिजुका पे था और वो बोल रही होती है, ये नोबिता आजकल मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लग गया है, उस दिन स्कूल के बाहर और आज फ़ोन पे। इसकी क्या वजह हो सकती है? कहीं नोबिता किसी दूसरी लड़की के साथ तो नहीं घूम रहा? और फिर सीन चेंज हो जाता है। डोरेमोन एंड नोबिता एनीवे डोर की हेल्प से सीधा सुमिरे के रूम पे घुस जाते हैं और सुमिरे वहीं बेड पर लेटी हुई थी। उसके बाद डोरेमोन एंड नोबिता सुमिरे को अपना सारा प्लान जो उन्होंने बनाया था बर्ड नाइट जाने तक का, वो सारा प्लान सुमिरे को बता देते हैं। फिर नोबिता बोलता है, बस एक ही दिक्कत है, हमें कहीं से भी बर्ड प्लैनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, और ना ही तो हमें ये पता चल रहा है कि आखिर बर्ड प्लैनेट किस गैलेक्सी में है। हम वहाँ तक जाएंगे कैसे अगर हमें यही नहीं पता होगा कि वो है कहाँ? मिस सुमिरे, आप क्या इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे सकती हैं कि वो किधर है? सुमिरे इसका जवाब देते हुए बोलती हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, पर वहाँ में से किसी का जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बर्ड प्लैनेट की एग्जिस्टेंस हम सब से और बाकी सब लोगों से छुपी हुई है। जो भी परमैन वहाँ पर जाता है उसके साथ एक डील होती है कि वो अपने बारे में एंड बर्ड प्लैनेट के बारे में किसी से भी नहीं बताएगा। नोबिता एंड डोरेमोन बड़ी हैरानी के साथ बोलते हैं, पर ऐसा क्यों सुमिरे? तो सुमिरे बोलती है, क्योंकि बर्ड प्लैनेट के जो एजेंट है एंड वहाँ के जो निवासी है वो नहीं चाहते कि जो बर्ड प्लैनेट की जो एग्जिस्टेंस है वो रिवील हो, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ के जो लोग हैं वो कितने क्रूर वर्ल्ड के हैं एंड वो सब बर्ड प्लैनेट के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए यही कारण था कि जो तुम्हारे टाइम टेबल पर उस समय धुंधलापन छा जाता था। और अगर कोई वहां जा सकता है या वहां से आ सकता है तो वो सिर्फ बर्ड मैन एंड वहां के निवासी है, वरना ये हमारे लिए तो इम्पॉसिबल सा है। डोरेमोन एंड नोबिता ये सुनकर बहुत मायूस हो जाती है। डोरेमोन एंड नोबिता बोलते हैं, फिर तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। अपने रूम में आने के बाद नोबिता बड़े उत्साह एंड बहुत ज्यादा मायूस होकर ये बोलता है, डोरेमोन तुम कोई गैजेट क्यों नहीं निकालते, कुछ करो प्लीज। डोरेमोन बोलता है, तुमने सुना नहीं सुमिरे ने क्या कहा, हमारा वहां जाना इम्पॉसिबल है। फिर नोबिता को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो डोरेमोन से बोलता है, डोरेमोन तुम अपने गैजेट के बारे में भूल रहे हो, बहुत कमाल का गैजेट है वो। कौन सा गैजेट? अरे वही फोन बूथ, हम उसमें जो भी कहते हैं वो सच हो जाता है। और अगर हम उसमें ये कहेंगे कि क्या होता अगर हम बर्ड प्लैनेट जा सकते तो सच हो जाएगी। फिर डोरेमोन इसका जवाब देते हुए कहता है, हाँ शायद ये काम कर सकता है। फिर डोरेमोन निकालता अपना गैजेट फोन बूथ। पर डोरेमोन जब उस गैजेट को बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये गैजेट तो खराब पड़ा है, और फिर उन दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। दोनों ही बहुत बुरी तरह से निराश हो जाते हैं कि उनका कोई भी आइडियाज काम नहीं कर रहा, और तो और वो तो इसको ठीक भी नहीं करा सकते क्योंकि फ्यूचर डिपार्टमेंट की रिपेयर शॉप भी बंद पड़ी हुई है इस समय। नोबिता परेशान होकर डोरेमोन से बोलता है, यार डोरेमोन मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं सिजुका के घर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ जाके मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर सकता हूँ और शायद मेरा मूड ठीक भी हो जाए। तुम भी क्यों नहीं कहीं चले जाते डोरेमोन? फिर उसके बाद डोरेमोन बोलता है, हाँ मैं भी मीचैन से मिलने चला जाता हूँ, चलो बाय। नोबिता सिजुका के घर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँच कर वो उसके घर का बैल बजाते हैं, जिसके बाद सिजुका थोड़ी देर में ही बाहर आ जाती है। पर वो थोड़े गुस्से में होती है और वो नोबिता से पूछती है, हाँ बोलो नोबिता क्या काम है तुम्हें? फिर नोबिता बोलता है, चलो हम साथ में खेलते हैं सिजुका। फिर सिजुका बोलती है, तुम उसी के साथ ही क्यों नहीं खेलते जिसके साथ तुम आजकल बहुत बिजी रहने लग गए हो, जाओ तुम यहाँ। मुझे पता है तुम्हें मुझसे भी अच्छी एक दोस्त मिल चुकी है, तो तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते नोबिता? नोबिता बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो सुजुका, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तुम जैसे। पर उतने में सुजुका पीछे पलट कर बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, और तुम बहुत ज्यादा गंदे हो नोबिता, और रोने लग जाती है। नोबिता बोलता है, अच्छा तो अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। सुजुका बोलती है, तुम एक चीज कर सकते हो नोबिता, शर्माते हुए। सो नोबिता बोलता है, क्या सुजुका? सुजुका बोलती है, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त का नाम बताओ, और नोबिता बिल्कुल सच बोलना। नोबिता बोलता है, मैं तो तुम्हें ही पसंद करता हूँ सुजुका। सुजुका बोलते है, क्या ठीक से नहीं सुना मैंने, तुमने क्या बोला नोबिता? नोबिता बोलता है, मेरा मतलब कि तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सुजुका बोलती है,
तुम सच बोल रहे हो ना नोबिता? हाँ सुजुका, बिल्कुल मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? उसके बाद नोबिता सुमेरे से रिलेटेड सारी बात सुजुका को बता देता है। सुजुका, अच्छा तो ये बात थी, और मैं ना जाने क्या सोच बैठी, पर क्या कोई और रास्ता नहीं है उनकी मदद करने का? नोबिता बोलता है, नहीं यही लास्ट तरीका था फोन बूथ की हेल्प से, बट अब तो ये भी फेल हो चुका है। सुजुका बोलती है, मुझे उन दोनों के लिए काफी बुरा लग रहा है। काश वो दोनों एक दूसरे से एक बार फिर से मिल पाते, काश वो एक दूसरे को वापस से देख सकते हैं। नोबिता बोलता है, हे सुजुका क्यों ना तुम मेरे घर आओ, हम तीनों वहीं पे मिलकर कुछ ना कुछ तो आइडिया शायद सोच ही लेंगे। रास्ते में सुजुका और नोबिता को जियान और सुनियो मिलते हैं। जियान गुस्से में होता है, तभी सुजुका नोबिता से बोलती है, क्यों ना हम जियान और सुनियो को भी अपने साथ ले जाएं। और उसके बाद ये बोलते ही जो सुजुका होती है वो सीधे उन दोनों की तरफ जाने वाली होती है कि तभी नोबिता उसे रोक लेता है और उसके कान में बोलता है, ये एक सीक्रेट है और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता लगना चाहिए। उसके बाद नोबिता सुजुका का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर की तरफ भाग कर ले जाता है। पर घर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि जो फ़ोन बूथ है वो अपने आप ही ठीक हो चुका है। और डोरेमोन जो होता है ये बात को सोच रहा होता है कि ये आखिर ठीक हुआ कैसे अपने आप, और उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है ये सोचते सोचते। पर नोबिता बोलता है, अरे डोरेमोन ये सोचने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द फ़ोन बूथ में अपनी विश बोलनी चाहिए। फिर डोरेमोन बोलता है, तुम सही कह रहे हो, उसके बारे में बाद में सोचूंगा। और जैसे ही डोरेमोन अपनी विश बोलता है कि क्या होता हम अगर वर्ल्ड प्लैनेट जा सकते, तो उनके सामने अचानक से एक यूएफओ आ जाती है। नोबिता बोलता है, वो ये तो काम कर रहा है, और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, चलो हम तीनों मिलकर सुमेर के पास चलते हैं और उन्हें बताएंगे, वो जरूर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। सो वो तीनों मिस सुमेर के पास जाते हैं, मिस सुमेर को बताते हैं, मिस सुमेर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने भी लग जाती है, जो कि ऑब्वियसली बात है उनके खुशी के आंसू होते हैं, और बोलती है, सुनो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं और सुजुका नोबिता डोरेमोन वहां पर छुप जाते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं, अरे आप खड़ी क्यों है मिस सुमेरे, आपको तो बेड पर रेस्ट करना चाहिए, आपको अभी 104 डिग्री सेल्सियस बुखार है, आपकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। उसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, तो वो तीनों बाहर आते हैं। वो बोलते हैं, मिस सुमेरे इस हालत में आप वहां पर कैसे जा सकती है, आपको शायद रेस्ट करना चाहिए, हम वादा करते हैं हम मिस्सो को जरूर लाएंगे। सो सुमेरे बोलती है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुमने जो बात मुझे अभी बताई है वो सुनने के बाद मैं अच्छा फील करने लगी हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, अगर मैं मिस्सो से मिल गई तो मेरी हालत अपने आप ठीक हो जाएगी। देन डोरेमोन अपने ड्रेसअप कैमरा की मदद से सबको बर्ड प्लैनेट जैसे कपड़े पहना देता है ताकि वहां किसी को भी शक ना हो। उसके बाद वो सारे उस स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और बर्ड प्लैनेट जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि जियान सुनियो भी वहां आ जाते हैं। नोबिता के घर के बैकयार्ड जियान बोलता है, तो तुम अकेले ही जाने का प्लान बनाते हैं ना, तुम्हारा आज लकी डे है, आज मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं, पर तुम्हें हम दोनों को भी अपने साथ ले जाना होगा। पर सुनियो जब सुमेरे को भी उनके साथ देखता है तो वो हैरान हो जाता है, वो बोलता है, हुसैन सुमेरे तुम्हारे साथ क्या कर रही है, तुम सब मिलकर कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे आखिर? जियान भी जब सुमेरे को देख लेता है तो हड़बड़ाहट में कहता है, मिस सुमेरे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सुमेरे क्या आप अपना मुझे ऑटोग्राफ देंगी? पर ना तो जियान के पास पेन था और ना ही पेपर, तो सुमेरे मुस्कुराते हुए जियान की तरफ आती हैं और हल्के से जियान के गाल पर एक किस दे देती हैं, और उनके लिपस्टिक का जो निशान था वो जियान के गाल पर ही रह जाता है। सुमेरे बोलती हैं, अभी के लिए तुम इसी से ही काम चला लो। काम? मेरी तो जिंदगी सफल होगी आज, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फूलों के बागीचे में लेटा हुआ हूँ, मैं पिघल रहा, ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये कहते कहते जो जियान होता है वो वहीं यूएफओ के अंदर ही बेहोश होकर गिर जाता है। सुनियो बोलता है, ओफो जियान तुम भी ना, नोबिता तो जेलिसी के मारे पागल हुआ जा रहा था और अपने कपड़ों को तो इस तरह चबा रहा था जैसे कोई पागल आदमी अपने कपड़ों को चबा रहा हो, और नोबिता मन ही मन में ये सोच रहा था, काश वो किस मुझे मिली होती।
सुजुका ऐसा नोबिता को करते हुए नोटिस कर लेती है और वो थोड़ी सी गुस्से में होकर नोबिता को के पैर पर अपने पैर से किक कर देती है। सुजुका बोलती है, बच्चों के जैसी हरकतें करनी बंद करो नोबिता। सुमेरी ये सब देखकर धीमे से मुस्कुराती है। डोरेमोन बोलता है, अब सब बर्ड प्लैनेट जाने के लिए रेडी? तो सब चिल्लाकर बोलते हैं रेडी। फिर वो यूएफओ हवा में उड़ने लग जाता है और आसमान में चला जाता है, गायब हो जाता है। कुछ देर तक तो सब सही चल रहा होता है, पर अचानक से यूएफओ अपने रूट चेंज कर लेता है और जोर जोर से हिलने लग जाता है। सब डरने लग जाते हैं। यूएफओ में बजर बजने लग जाता है, ओवरवेट कैन बी विजिबल इन यूएफओ डिस्प्ले स्क्रीन। वो यूएफओ इतना ज्यादा हिल रहा होता है कि जो नोबिता और सुजुका होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं और नोबिता को फिर से पड़ता है एक जोर का चांटा। पर अचानक से जो यूएफओ होता है वो हिलना बंद कर देता है। सुमेरे बोलती है, शुक्र है कि ये ठीक हो गया, वरना मुझे तो लगा था कि आज हम सब मर जाएंगे। पर वो सारे नोटिस करते हैं कि जो जियान और सुनियो थे वो वहाँ से गायब हो चुके थे। वो सारे हैरान हो जाते हैं, ये दोनों आखिर गायब कहाँ हो गए। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें एक लंबा चौड़ा एक आदमी दिखता है जो कि एक कपड़े में कवर था, और वहीं उसी के साइड में जो जियान और सुनियो थे वो बेहोश पड़े हुए थे। वो आदमी उन दोनों को देख कर बोल रहा होता है, तुम बुद्धू लड़के, मेरे प्लान के बीच आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे प्लान के बीच आकर तुम दोनों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब सब ठीक हो चुका है। वो बर्ड पैंट के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और मैं यही चाहता था, अब सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। तो हम देखते हैं कि सुनियो और जियान के गायब हो जाने के बाद बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मिलकर ही सुनियो और जियान को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। बट डोरेमोन ये सब चीज़ देखकर सोच रहा होता है कि पहले वो फ़ोन बूथ अपने आप ठीक हो गया और अब जियान और सुनियो गायब हो गए, मतलब ये हो क्या रहा है। तभी डोरेमोन चिल्लाता है, ओ नो। सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, आखिर हुआ क्या? सारे लोग डोरेमोन के पास आकर बोलते हैं, डोरेमोन हुआ क्या? डोरेमोन हैरानी के साथ बोलता है, नोबिता तुम्हें याद है, वो फ़ोन बूथ अपने आप ठीक हो गया था। नोबिता बोलता है, हाँ डोरेमोन मुझे याद है, पर अभी ये बात सोचने का समय नहीं है। जियान और सुनियो गायब हैं, तुम्हें पता है ना, और पता नहीं वो कहाँ होंगे, अभी हमको मिलकर उन्हें ढूंढना चाहिए। डोरेमोन बोलता है, अरे नोबिता मेरी बात तो समझो, देखो जिस दिन फोन बूथ खराब हुआ था उस दिन फ्यूचर डिपार्टमेंट की रिपेयर शॉप भी बंद थी, एंड ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो फोन बूथ अपने आप ठीक हो जाए, मतलब कि वो हमारा सिर्फ एक इल्यूजन था। तो सुमेरे बोलती है, तो डोरेमोन तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिस स्पेसशिप में हम अभी है वो तुम्हारी गैजेट की हेल्प से नहीं आई, बल्कि और किसी ने ही भेजी है, एंड और कोई चाहता है कि हम बर्ड प्लैनेट जाए। तो नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है एंड बोलता, मतलब कि डोरेमोन हम बहुत ज्यादा खतरे में है, अब हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, जियान सुनियो का क्या हुआ होगा, अब हम क्या करें। सो सुजुका बहुत ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है, चुप करो नोबिता, तुम खुद भी बहुत ज्यादा डर रहे हो और दूसरों को भी डरा रहे हो, और बच्चों की तरह रोना बंद करो। नोबिता चुप हो जाता है। तभी सुजुका बोलती है, तो डोरेमोन अब हम क्या करें। डोरेमोन बोल ही रहा होता है तभी स्पेसशिप में से आवाज आती है, एमरजेंसी लैंडिंग, हम बर्ड प्लैनेट के बहुत ज्यादा करीब है, हम 5 मिनट में लैंडिंग करेंगे, काउंटडाउन स्टार्ट, टिक टिक वन, हम 5 मिनट में लैंडिंग करने वाले हैं, 4 मिनट 40 सेकंड बाकी लैंडिंग में, 3 मिनट 50 सेकंड बाकी लैंडिंग में, ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो खिड़की से बाहर देखते ही है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। नोबिता वहाँ की चकाचौंध से हैरान होकर बोलता है, वाओ ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुमेरे बोलती है, हाँ नोबिता, क्योंकि जो यहाँ की टेक्नोलॉजी है वो और की टेक्नोलॉजी के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा अच्छी है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बर्ड प्लैनेट पर आ गई हूँ। शिजुका बोलती है, हाँ मैंने भी ऐसी जगह पहली बार देखी है, ये कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, बट जियान और सुनियो। तभी डोरेमोन शिजुका को दिलासा देते हुए बोलता है, शिजुका तुम जियान और सुनियो की चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे
यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक होंगे। पहले हम मित्सो को ढूंढते हैं, क्या पता वो हमें यहीं पे मिल जाए। सो तभी वो स्पेसशिप एकदम से नीचे आकर नीचे से खुल जाता है और उन सभी को वहीं जमीन पर गिर कर खुद भी जमीन के नीचे गायब हो जाता है। वो सब नीचे सही सलामत पड़े होते हैं। नोबिता वहीं पड़े पड़े बोल रहा होता है, अरे डोरेमोन अब ये क्या था, पर मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे जमीन इतनी नरम क्यों लग रही है। तभी सुजुका चिल्लाकर बोलती है, अरे बेवकूफ नोबिता तुम मेरे ऊपर पड़े हो, उठो। सो नोबिता उठकर सॉरी भी बोलता है। सो तभी सुजुका बोलती है, वैसे चोट तो मुझे भी नहीं लगी है, जगह मुझे बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है। सो डोरेमोन नीचे से बोलता है, अरे सुजुका यार तुम मेरे ऊपर पड़ी हो, प्लीज उठो, मुझे चोट लगी है, मेरे नीचे कोई नहीं है। सो सुजुका सॉरी बोलकर उठ जाती है। एंड वो सब देख रहे होते कि वहां पर कहीं पर भी मिस्सू मेरे नहीं है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी नोबिता भी बोलता है, अब ये क्या हुआ, मिस्सू मेरे भी गायब हो गई। सो सुजुका बोलती है, पागल इंसान देख वो रही मिस्सू मेरे उनसे थोड़ी सी आगे थी। सो मिस्सू मेरे के पास जा ही रहे होते हैं, रास्ते में डोरेमोन नोबिता से बोलता है कि क्या हुआ सुजुका की और तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या, मतलब सुजुका आज तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है। नोबिता कुछ नहीं बताता और बोलता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सो वो उन दोनों की बात सुजुका सुन लेती है। सुजुका बोलती है, तुम दोनों ने कुछ बोला। सो वो दोनों बोलते नहीं नहीं हमने कुछ नहीं बोला। वो तीनों मिस्सू मेरे के पास पहुंच जाती है। सुजुका सुमेरे से बोलती है, क्या हुआ सुमेरे, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी सुमेरे बोलती है, थोड़ा डरी हुई थी, वो देखो वो तीनों ही अब सामने देखने लगते हैं और सामने एक बहुत बड़ा सा बोर्ड था जिस पर दो जनों की फाइट के बारे में लिखा हुआ था। डोरेमोन बोलता है, ओ अच्छा यहाँ पर ऐसी फाइट्स भी होती हैं। नोबिता बोलता है, पर ये बोर्ड पर लिखा क्या है, फाइट फॉर लव, आखिर किसकी फाइट होगी यहाँ पे। सोफिया, जानने के लिए आ जाइए इस जस्टिस पावर ग्राउंड में। डोरेमोन और सुजुका भी बोलते हैं, हाँ मतलब ये क्या बात हुई। तभी सुमेरे की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो तीनों डर जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ सुमेरे, आप रो क्यों रही हैं, आप प्लीज़ चुप हो जाइए, हमें बताइए आपको क्या हुआ है। सुमेरे बोलती है, वो राइट साइड में मित्सू है। डोरेमोन और नोबिता ये बात सुनकर खुशी के मारे उछलने कूदने लगते हैं, वो गाना गाने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, हमें मित्सू मिल गया। सुजुका को सब समझ आ गया था। वो उन दोनों से बोलती है, रुको हमको मित्सू तो मिल गया पर ये सोफिया कौन है। सुमेरे बोलती है, हाँ वो ही, मतलब मित्सू मुझे भूल गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो रोए जा रही थी, रो रो कर बोल रही थी, नहीं नोबिता मेरा मिस्सू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वो मुझे नहीं भूल सकता, डोरेमोन सुजुका ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मिस्सू, मतलब सुमेरे बहुत घबरा चुकी थी और अपने दिल को दिलासा देने के लिए ऐसा वैसा बोल रही थी। तभी वो तीनों सुमेरे को बोलते हैं और उसको हिम्मत देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता मिस्सू, तुमको नहीं भूल सकता सुमेरे, कुछ और बात होगी, चलो हम मिस्सू से मिलकर बात करते हैं। डोरेमोन बोलता है, देखो इस फाइट की तारीख आज की ही है और कुछ ही समय बाद है। फिर नोबिता बोलता है, तो हमको अभी पावर ऑफ जस्टिस ग्राउंड में जाना चाहिए। सो वो सब तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, बट उन्हें रास्ता नहीं पता होता, वो वहां से कोई गुजर रहा था। सो उससे पूछते हैं, बट ऑफकोर्स उन्हें एक दूसरे की बात कैसे समझ आने वाली है। सो डोरेमोन यहाँ पे अपना गैजेट निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, यानी कि ट्रांसलेशन टूल। तो उस गैजेट की हेल्प से उन्हें जो बॉट प्लैनेट के वासी के द्वारा पावर जस्टिस ग्राउंड कहाँ पे है ये बात उन्हें पता चल जाती है। अब उसके बाद जैसे उन्हें पता चल जाता है लोकेशन, वैसे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग की भीड़ उमड़ी हुई है और बहुत सारे लोग चेयर कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि आज की फाइट देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तभी वहाँ पे एक आदमी बोल रहा होता है, नहीं लास्ट वाले फाइट देखने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी डोरेमोन और बाकी सभी सोचते हैं कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं, इन्हें लड़ाई देखने में मज़ा आता है। तभी बहुत जोर की बिजली चमकती आसमान में और वो सीधा चाकर ग्राउंड के बीच टकराती है और उसमें से एक आदमी निकल कर आता है जिसकी मित्सू के साथ फाइट होने वाली थी। उस इंसान को देख नोबिता और बाकी सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था क्योंकि वो बंदा दिखने में था ही इतना पावरफुल। तभी वहां पर आसमान से कोई उड़कर
मेरे। मिसो का हाथ पकड़कर रोए जा रही थी और बोल रही थी, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया मिसो, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। और गाइस बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। गाइस वो तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो कितने सालों बाद, कितने अरसों बाद मिसो से मिली थी। अब वो रोए जा रही थी कि मिसो हमने एक दूसरे से वादा किया था, हम एक दूसरे का वेट करेंगे, चलो कोई नहीं छोड़ो इन बातों को, बट अब हम मिल चुके हैं, अब चलो अर्थ पर चलते हैं, हम एक साथ रहेंगे। और मिसो मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा वेट किया था, ऐसा वैसा बोल रही थी और बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। मिसो का हाथ पकड़कर उससे अपने प्यारी प्यारी बातें कर रही थी और बोल रही थी, मिसो तुम्हें मैं याद हूँ ना। अरे मैं कैसी बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली बातें याद ही होंगी। मिसो कुछ तो बोलो, मिसो बोलो ना कुछ। वो पागल हुई जा रही थी, बट मिसो को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। सो डोरेमोन मिसो मेरे को समझाते हैं कि उनको चोट लगी है, पहले उन्हें ठीक होने दो। तभी डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है, फर्स्ट एड टूल, और फर्स्ट एड टूल की मदद से वो मिसो को बिल्कुल ठीक कर देता है, पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाता है मिसो। अब मिसो की आंखें खुलती है, मिसो को ठीक देखकर सुमेरा बहुत ज्यादा रोए जा रही थी और बोल रही थी, मिसो तुम ठीक हो गए, देखो मैं आई हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हें लेके जाऊंगी इस बार, अब हम एक साथ ही रहेंगे। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। मिसो की जैसी आंखें खुलती है मिसो बोलता है कि तुम कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ये सुनने के बाद सुमेरे बिल्कुल टूट जाती है और वो सोचती है शायद मिसो मेरे साथ मजाक कर रहा है। अरे मिसो तुम मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम्हारी सुमिरे, तुम्हारी पागो, तुम मुझे भूल गए। नहीं तुम मुझे भूल ही नहीं सकते हो, मुझे याद है हमने वादा भी किया था, याद करो मिसो। सो मिसो बोलता है मैं तुम्हें सच में नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, तुम यहाँ पर आई कैसे, तुम बहरूपिया लगते हो मुझे, मैं तुम्हें अभी यहाँ की सरकार को दे दूंगा, तुम्हें अभी पुलिस को दे दूंगा, ऐसा ऐसा बोल रहा होता है। तभी सुमिरे बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो बोल रही होती है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना मिसो, मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मिसो प्लीज मजाक मत करो क्योंकि मैं और नहीं सह सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मिसो। और मिसो बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तुम हो कौन, तुम यहाँ की नहीं लगती हो, तुम सब बच्चे यहाँ के नहीं लगते हो, तुम भी, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, नहीं तो वापिस लौट जाओ जहाँ से तुम आई हो। सो डोरेमोन एंड नोबिता सब बोलते हैं अरे मिसो हम अर्थ से आए हैं और तुम हमें भूल गए, हम बचपन में भी मिले थे, तुम हमें कैसे भूल सकते हो मिसो, और सुमिरे को कैसे भूल सकते हो, याद करो मिसो याद करो। मिसो को कुछ नहीं याद होता, मिसो बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, बस तुम वापस लौट जाओ। सो डोरेमोन बोलता है कि हम एक स्पेसशिप में आए थे और वो स्पेसशिप भी गायब हो गई। सो मिसो को समझ आ जाता है कि क्या हुआ होगा। सो वो बोलता है कि तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, यहाँ की सरकार बहुत बुरी है, अगर किसी को पता चला कि तुम बहरूपिया बनकर आए हो तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये सुनने के बाद नोबिता भी डर जाता है और बाकी सब डर जाते हैं, पर सुमिरे बोलती है तुम्हारे बिछड़ने की दुख के आगे ये बहुत कम दुख है, पर तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, नहीं मैं नहीं बचाऊंगी तुम्हें छोड़कर, उसका हाथ पकड़े रही होती है। सो तभी मिसो अपना हाथ छुड़वा लेता और बोलता मैं तुम्हें सच में नहीं जानता हूं। और वो बहुत ज्यादा रोए जा रही होती है, वो बोल पागल हो चुकी थी, नहीं ऐसा कैसे कर सकते हो मिसो, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, और बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। नोबिता एंड डोरेमोन उसे हिम्मत देते हैं, मिसो बोलता है अभी तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे बोल रही होती है नहीं मुझे नहीं जाना अकेले अर्थ पर, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, नहीं और बहुत ज्यादा रो रही होती है। डोरेमोन एंड नोबिता सुजुका को पकड़ कर ले जाते हैं अभी वहां से, एंड नोबिता बोलता है मिसो तुम सच में हमको भूल चुके हो क्या, मतलब सुमिरे को तुम सच में भूल चुके हो क्या, सच बताओ। मिसो बोलता है तुम सब लोग भाग जाओ और अपने घर लौट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ऐसे ही मिसो से मिलती है, मिसो उसे पहचानने से मना कर देता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड रोने भी लग जाती है। वो मिसो को लगातार याद दिलाने की कोशिशें कर रही होती है कि मैं तुम्हारी सुमिरे, तुम मेरे मिसो, ऐसा वैसा, बट मिसो ने तो जैसे कि कसम ही खाई हुई हो कि उसे कुछ भी याद नहीं करना है। और ऊपर से मिसो उन सबको धमकी भी दी जा रहा था कि यहाँ से वापिस अर्थ पर चले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ की पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा और तुम्हें वो पकड़ कर ले जाएंगी, ऐसा वैसा। अब आगे सुमिरे वहाँ बैठी अभी भी रोए जा रही थी, पर मिसो पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर फोनिक्स सोफिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है, और जैसे ही मिसो ये देख लेता है वो भी उड़कर फोनिक्स को रोकने के लिए उसके पीछे जा ही रहा होता है, तभी पावर ऑफ जस्टिस ग्राउंड के जज उसे रोक लेते हैं। मिसो बोलता है मुझे जाने दीजिए, फोनिक्स एक बहुत खराब इंसान है, वो सोफिया को बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाएगा और सोफिया भी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी।
सुमेरे की ऐसी हालत नोबिता से अब ज्यादा नहीं देखी जा रही थी। वैसे तो किसी से नहीं देखी जा रही थी। नोबिता डोरीमोन से बोलता है, डोरीमोन क्या हम सुमेरे की मदद नहीं कर सकते? अरे हाँ, तुम्हारे पास तो क्यूपिड विंग्स वाला गैजेट है ना, जिससे तुम किसी को भी दोस्त बना सकते हो, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दिल में प्यार जगा सकते हो, प्लीज उसका यूज करो ना डोरीमोन। तभी सुजुका पीछे से चिल्लाकर बोलती है, नहीं नोबिता, अगर दुनिया में सबसे प्योर चीज जो है ना वो है प्यार। अगर हमने डोरीमोन का गैजेट यूज किया तो दोनों के बीच एक टेम्परेरी सी अट्रैक्शन रह जाएगी, जो कि मिस्सो और सुमेरे के बीच का प्यार लगाओ जो कनेक्शन है उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। मुझे पता है कि अभी मिस्सो कुछ अलग सा बिहेवियर कर रहा है, बट इसके पीछे पक्का कोई ना कोई तो रीजन होगा। अभी बहुत रात हो चुकी थी और वहाँ पर ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वो ठंड से बचने और रात गुजारने के लिए डोरीमोन एक गैजेट निकालता है, जिससे वो सभी के लिए वहाँ पर एक शेल्टर बना देता है। वहाँ मिस्सो कोठरी में बंद पड़ा हुआ था, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। वो सोच रहा था कि मुझे माफ कर देना सुमेरे, जब मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया था तब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मैं बता नहीं सकता कि मेरे ऊपर उस वक्त क्या गुजर रही थी और मैं कितना खुश था तुम्हें देखने के बाद। प्लीज मुझे माफ कर देना सुमेरे, प्लीज। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर वो सब चीजें कही। मुझे पता है अब सुमेरे मुझे कभी माफ नहीं करेगी, पर अभी मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज सोचनी है वो ये कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, और एक बार मैं यहाँ से निकल गया ना तो फिनिक्स को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं सोफिया को उसके जंगल से बाहर निकाल कर ही रहूँगा, पर उसके लिए मुझे एक प्लान सोचना होगा, वरना वापस से वही होगा और मैं वापस से हार जाऊँगा। तभी पता नहीं कैसे वहाँ पर सुमेरे आ जाती है। मिस्सो उसे देख वापस से वैसा ही बिहेव करने लगता है, पर सुमेरे कहती है, मुझे पता है मिस्सो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसमें भी किसी की पक्का कोई ना कोई भलाई छुपी होगी। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम हमेशा दूसरे की खुशी की परवाह करते हो और अपने खुद के बारे में तुम कभी नहीं सोचते, और ऐसा करके तुम अपनी खुशी की बलि चढ़ा देते हो। पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी खुशी की बलि अब नहीं चढ़ने दूंगी, और न ही उसकी जिसकी खुशी के लिए तुम ये सब कर रहे हो। पर उसके लिए तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी। मित्सो ये सब सुन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि सुमेरे उसे कितने अच्छे से जानती है, पर अभी भी वो सुमेरे को पहचानने से इनकार ही कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सुमेरे को भी वो अपने प्लान में शामिल कर लेगा तो सुमेरे की जान खतरे में पड़ जाएगी, और यही चीज उसे सुमेरे से दूर रखने के लिए शक्ति दे रही थी। पर मिस्सो ये सब बहुत सहन कर चुका था, वो बस रोने ही वाला था। तभी नोबिता डोरीमोन और सुजुका जब सुमेरे को अपने शेल्टर में नहीं ढूंढ पा रहे होते तो वो भाग कर वहीं पहुंच जाते हैं। वो भी मिस्सो पर जोर डालने लग जाते हैं, और जिसके बाद तो मिस्सो को टूटना ही था। मिस्सो रोते रोते उन्हें सॉरी बोलता है। तभी सुजुका मिस्सो से पूछती है, पर आपने उस वक्त सुमेरे को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया था? तो मिस्सो बोलता है, क्योंकि अगर उस वक्त मैं सुमेरे को पहचान लेता तो जज मैच को वहीं डिक्लेयर कर देते कि मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ, फिर भी सोफिया के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का रूल है कि कोई भी इंसान एक लड़की के लिए लड़ सकता है। और दूसरी चीज ये होती कि फोनिक्स को रिकवर होने का समय मिल जाता। और ये सब बातें मैंने सुमेरे को अब तक इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे ये सब बातें पता चले, तब क्योंकि ये सब बातें जानने के बाद सुमेरे मेरे प्लान में शामिल होने की जिद करेगी, ये बात मुझे पता थी, और इस सब चीज़ों से उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी जान खतरे में पड़े, क्योंकि इतने सालों बाद वो मुझे अब मिली है और अब मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। और ऐसे रोए जा रहा था और बोल रहा था, अब तो मैंने ये सब चीज़ें तुम सबको बता दी है, अब इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं। सुमेरे बोलती है, तुमने हमें ये सब बताकर बहुत अच्छा किया मित्सो। देखो डोरीमोन एक 22nd सेंचुरी का रोबोट है और उसके पास बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स भी हैं, उनकी मदद से हम जरूर फिनिक्स को हरा पाएंगे। तभी डोरीमोन एकदम से बोल पड़ता है, पर ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला कि मेरे बहुत से गैजेट्स तो यहाँ वर्क ही नहीं करते। तभी मित्सो बोलता है, देखो कोई बात नहीं डोरीमोन, मेरे पास एक परमानेंट सूट ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो कि अभी तक के सभी परमानेंट सूट्स में सबसे ताकतवर है, जिसकी पावर को सिर्फ सुमेरे और मैं ही कंट्रोल कर पाएंगे, तुम सब उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते।
क्योंकि सुमेरे ने बचपन में बैटमैन सूट यूज़ किया है, यानी कि अब सिर्फ मैं और सुमेरे ही मिलकर फीनिक्स से फाइट कर पाएंगे। तभी डोरेमोन बोलता है, मेरे पास एक गैजेट है जो कि अभी भी काम करता है, जिससे तुम्हारी थोड़ी मदद तो हो ही जाएगी। डोरेमोन वो गैजेट निकालता है जिसका नाम था पावर ऑफ लव पोशन। डोरेमोन उन्हें बताता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है। कहता है, तुम सभी को इस लोशन को अपने अपने लिप्स पर लगाना होगा। फिर सुमेरे बोलती है, और उसके बाद फिर डोरेमोन बोलता है, ये थोड़ा सा अजीब थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट अगर कोई दो लोग इसे लगाने के बाद एक दूसरे के लिप्स को टच करते हैं तो उनकी पावर एक हो जाती है। तभी नोबिता बोलता है, पावर एक हो जाना इसका मतलब क्या हुआ डोरेमोन? तभी डोरेमोन बोलता है, इसका मतलब उनकी साउल एक हो जाएगी और उनकी पावर चार गुना तक बढ़ जाएगी। तो नोबिता बोलता है, और वो कैसे? तो सुजुका बोलती है, अरे पागल नोबिता, तुम्हें प्यार की ताकत के बारे में नहीं बताया क्या? तो सुमेरे बोलती है, कोई बात नहीं नोबिता, शायद इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं। कोई नहीं, तुम्हें टाइम के साथ साथ सब बातें पता चल ही जाएगी। तभी डोरेमोन बोलता है, और हाँ एक बात और, अगर वो दो लोग एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो तो अगर उनमें से किसी एक की, यानी कि हम में से किसी एक की वहाँ पर मौत जैसी सिचुएशन हो जाती है, कोई मरने को भी हो जाता है, तो दूसरा कोई अगर उसे किस करे लिप्स पर तो उसे वापिस से जिंदा किया जा सकता है, पर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। तभी मिस्सो बोलता है, यानी कि हमारे पास फोनिक्स को हराने के लिए दो चांस होंगे। तभी डोरेमोन बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, पर ये इतना भी आसान नहीं है। साउल को एक करना और वापिस से जिंदा करने के लिए उन दो लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए, जो कि एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, वरना इसका कोई फायदा नहीं, ये सब वेस्ट है। और मैं तो इसका वैसे भी यूज नहीं कर सकता हूँ, मैं तो एक कैट रोबोट हूँ। #SaveDoraemonFeelings सुमे और मित्सो एक दूसरे के लिप्स में किस करके अपनी पावर को यूनाइट कर लेते हैं। कोठरी को तोड़ बाहर आ जाता है। सुमेरे परमैन का दिया हुआ परमैन सूट भी पहन लेती है, जिसके बाद सारे बाहर निकलकर फीनिक्स के घर के लिए निकल लेते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि मित्सो के शरीर पर एक चिप लगी पड़ी है, जो कि उनके लोकेशन और उनकी आवाज़ को लगातार ट्रैक कर रही थी। और वो चिप उन्हीं जजेस ने लगाया था जिन्होंने मित्सो को उस कोठरी में बंद किया था, जिसके बाद जस्टिस ग्राउंड वाले ऑफिशियल्स भी अपनी स्पेसशिप में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो सब फीनिक्स की जगह में पहुंच जाते हैं। फीनिक्स बोलता है, अच्छा इस बार तुम अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आए हो, कोई नहीं तुम सभी को मारने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। फिर डोरेमोन बोलता है, पहले तुम ये बताओ कि फ़ोन बूथ ठीक करने वाले तुम ही थे ना, और जियान और सुनियो को अगवा करने वाले वो दोनों इंसान तुम ही हो, है ना? फीनिक्स बोलता है, तुम एक समझदार रकुन लगते हो, मैं कोई रकुन नहीं हूँ। चलो तुम्हारी मौत से पहले मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे ही देता हूँ। तो सुनो फिर, हाँ वो मैं ही था, क्योंकि मेरे प्लान को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए ये ज़रूरी था। सुमेरे बोलती है, प्लान? कौन सा प्लान? तो फीनिक्स बोलता है, प्लान ये कि सुमेरे को बर्ड प्लैनेट में लेके आना, जिससे मिसो सोफिया पर ज्यादा ध्यान ना दे सके और वो तुम्हारे साथ वापिस चला जाए। सोफिया को मेरे से अलग करने वाला मेरे रास्ते का काटा मिसो हमसे दूर हो जाए। अब बातें बहुत हो चुकी है, लेट्स फाइट। इसके बाद फिनिक्स वर्सेस मिसो एंड सुमेरे की फाइट शुरू हो जाती है। और जैसा कि
पहले सोफिया को भी फ्री करो। फिर फिनिक्स बोलता है, ओ उसके बारे में मैं भूल गया था, सॉरी। चलो ये लो, अब मैंने सोफिया को भी फ्री कर दिया है, अब तो हम गली मिल सकते हैं ना। बट सोफिया नहीं मिल पाई क्योंकि वो भी बेहोश है। सभी को मतलब फिनिक्स पे शक तो हो रहा था, बट वो कर भी क्या सकते थे क्योंकि वो और तो भाई देखना नहीं चाहते थे, और नहीं तो वो ये चाहते थे कि फिनिक्स की वो बात मना कर दें और वापस से फिनिक्स को गुस्सा आए, और मतलब फिर तो भाई मच्छे की तो यार एक ही चीज़ होनी थी। तो वो बात को मान लेते हैं और फिनिक्स के गले मिलते हैं। तभी फिनिक्स एक डरावनी सी स्माइल देता है, और तभी जो नोबिता था फिनिक्स की हंसी को देख उसका प्लान भांप लेता है। नोबिता सभी को दूर फेंक फिनिक्स के साथ ब्लो हो जाता है। एक पल के लिए सारे लोग ब्लैंक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि अभी हुआ क्या। शिजुका रोते हुए भागकर नोबिता के पास जाती है और बोलती है, नोबिता तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, ये सब क्यों, आखिर क्यों, क्यों क्या तुमने ऐसा, तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो, आखिर अब हम सब खासकर मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। डोरेमोन भी नोबिता के पास जाने वाला ही होता है कि तभी मित्सुओ उसे रोक देता है। शिजुका बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसकी चीखें पूरे बोर्ड प्लांट में गूंज रही होती हैं। उसके आंसुओं से नोबिता का पूरा चश्मा भीगा होता है। सुमेरे मन ही मन में बोल रही होती है, शिजुका तुम ये कर सकती हो, हाँ शिजुका तुम ये कर सकती हो। शिजुका उसको अपने सीने से लगाकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी नोबिता कुछ बोलने की कोशिशें करता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मित्सुओ और सुमेरे को एक साथ रखने में कुछ योगदान दे पाया। हे शिजुका तुम प्लीज रो मत, शायद मेरा समय आ चुका है, और तुम्हारे चेहरे पर ये आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। शिजुका बोलती है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है नोबिता, तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिन बिल्कुल नहीं रह पाऊँ। शिजुका अपने फेस से आंसुओं को बिल्कुल पोंछ लेती है और नोबिता के लिप्स पर किस कर देती है। वहाँ पर सभी लोग ये देख रहे थे, ये सीन देखकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल थे, सभी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और रो रहे थे। सभी के दिल में ये आशा थी, काश नोबिता वापिस से ठीक हो जाए, काश नोबिता को कुछ ना हो। डोरेमोन भी बहुत ज्यादा रो रहा था, और जो सुमेरे थी उसके दिल में ये आशा जग रही थी, शायद शिजुका नोबिता को जिंदा कर सकती है, हाँ वो कर सकती है। सुमेरे नहीं, सभी के दिल में यही आशा थी। पर कुछ देर तक तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर कुछ देर बाद नोबिता के सारे बॉडी पार्ट्स हवा में उड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं। नोबिता की बॉडी के आसपास काफी तेजी से रोशनी चमकने लग जाती है। नोबिता वापिस से खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल भी देता है। शिजुका जोर से नोबिता को गले लगा लेती है। सुमेरे बोलती है, मुझे पता था ये दोनों बिल्कुल मिस्सो और मेरे जैसे, हाँ मुझे पता था ये फिर से ठीक हो जाएगा नोबिता। नोबिता बोलता है, अरे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, कैसे हुआ, और शिजुका तुम क्यों रो रही हो। शिजुका बोलती है, तुम ठीक हो बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, नहीं बहुत ज्यादा खुश हूँ, नहीं नहीं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये खुशी के आंसू है। नोबिता बोलता है, ओ अच्छा, पर मुझे अब शर्म आ रही है, सब हमें देख रहे हैं शिजुका। शिजुका बोलती है, मुझे उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे थोड़ी देर यहीं रहने दो, तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब। बट फिर एक नई मुसीबत आ जाती है। जस्टिस ग्राउंड की जो स्पेसशिप थी अब वहाँ उनके पास पहुँच जाती है और उन सब पर गन तान कर खड़े हो जाती हैं। फिनिक्स अपनी आँखें खोल कर पूरी ताकत लगाकर कुछ बोलने की कोशिश करता है। फिनिक्स बोलता है, इन सबको मार डालो, ये दुश्मन है तुम्हारे, अगर सोफिया मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, मार डालो इन सबको। मित्सुओ जस्टिस ग्राउंड के एजेंट से बोलता है, देखिए आप सब अपनी गन नीचे कर लीजिए, हम सब निर्दोष हैं, असली गुनहगार तो वहाँ तड़प रहा है, देखिए। तभी स्पेसशिप में से वो जज निकल कर आते हैं और बोलते हैं, फायर करो।
पर वो सब आसमान में फायर करते हैं, यानी कि वो सुमेरे और मित्सो की जोड़ी को सलामी देते हैं। जजेस बोलते हैं, आप दोनों एक आइडियल जोड़ी हैं, तुम पर जो चिप लगी थी उससे हमने सब चीज़ सुन ली और हमें ये सब पता चल चुका है कि तुम असली गुनहगार नहीं हो, और असली गुनहगार जो था वो तो कब का जा चुका है। अब पावर ऑफ जस्टिस क्राउन लव के क्राउन की इंस्पिरेशन के तौर पर आप दोनों की मूर्ति वहाँ पर बनाई जाएगी। हम आपकी शादी की तैयारी खुद करेंगे और कल ही आप दोनों की शादी है, क्योंकि ऐसे कपल्स को ज्यादा टाइम एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए। आप दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हो। ये बात सुनकर सोफिया, नोविता, जियान, सुनियो, सुजुका एंड डोरीमोन काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड खुशी की मारी नाच झूम रहे होते हैं। अगले ही दिन उन दोनों की शादी हो रही होती है, जिसमें मिस्रो और सुमेरे दोनों के पेरेंट्स एंड रिश्तेदार इनविटेड होते हैं। और हाँ गाइस, उन दोनों की शादी अर्थ पर हो रही थी, ना कि बर्ड प्लैनेट पर, क्योंकि बर्ड प्लैनेट की एग्जिस्टेंस अभी भी रिवील नहीं थी और ना ही कोई करना चाहता था। भाई क्यों करेंगे वो। मिस्रो और सुमेरे दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत से भी बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा खुश होते हैं। भाई नाच रहे होते हैं दोनों। शादी के बीच में नोविता सुजुका से पूछता है, सुजुका, सुमेरे ने मुझे बताया कि तुमने अपने पावर ऑफ लव पोर्शन का यूज मेरे ऊपर किया। सुजुका बोलती है, हाँ तो उस वक्त तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे करना पड़ा। तो नोविता बोलता है, इसका मतलब तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है। सुजुका बोलती है, तुम्हें याद है ना डोरेमोन ने क्या बोला था, दोनों के अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, मतलब कि मेरे लिए मैं बोल नहीं पाऊंगी। उसके बाद सुजुका वहां से शर्माकर भाग जाती है नोविता के पास से। एंड एट द एंड एंड मतलब लास्ट यार एंड हो गया गाइस। सो गाइस फाइनली एंड। हाँ, इस मूवी का एंड हो चुका है, इसके आगे कोई भी पार्ट नहीं आने वाला इस मूवी का, और मुझे अब ये भी नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए, और मैं ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। आप सबने ये लास्ट पार्टी अगर यहाँ तक देखा है तो आप सबको पता ही होगा कि ये कैसा था, और बस आप सब मतलब एक कमेंट करके जरूर बता देना कि आप सबको ये कैसा लगा। और से और अगर आप सबको ये लगता है कि इस मूवी में मेरी और रेश भाई की थोड़ी सी भी मेहनत है, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और रेश भाई के चैनल को भी, उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप सबने इस मूवी के बाकी के 3 पार्ट्स और नहीं देखे है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाके देख लेना। और गाइज मुझे पता नहीं क्या बोलूं गाइज, बट यार एंड गाइज हाँ, इस वीडियो पे लाइक गेम रखते हैं 1 के लाइक। हाँ गाइज 1000 लाइक। आई नो कि गाइज ये काफी ज्यादा बड़ा लाइक गेम है एंड मैंने पहली बार इतना बड़ा लाइक गेम रखा है, बट यार इस मूवी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये लाइक गेम बिल्कुल सही है और आप सब बिल्कुल जरूर करवा भी दोगे। सो यार 1 के लाइक प्लीज करवा देना, एंड अगर आप सबने 1 के लाइक करवा दी तो गाइज एस भाई मैं आगे भी ऐसी मूवीज लाते रहेंगे, मतलब जरूर सोचेंगे। सो यार 1 के लाइक जरूर करवा देना। एंड गाइज मेरे पास अब ज्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ। सो गाइज मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।